Hello students, class 9, chapter tissue. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू का सेकेंड टाइप कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है एनिमल टिश्यू का फर्स्ट टाइप एपिथेलियल टिश्यू. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, दैट मींस इट कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, स्किन टू मसल्स, बोन टू मसल्स, मींस ये ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर widely expressed. The cells of this tissue are widely expressed. This tissue provides mechanical strength to the body. ये क्या इसका क्या फंक्शन है? कनेक्ट करने का काम करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी को. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट वन इज alveolar, second adipose, third skeletal, and the last one is fluid connective tissue. These are the four types of connective tissue: alveolar connective tissue, adipose, skeletal, and fluid connective tissue. ये चार टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यू के. अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये स्किन से मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है. ओल्ड एज में जब आप स्किन पे रिंकल्स देखते हो, ये इस टिश्यू की वजह से ही होता है. लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो स्किन से मसल्स कनेक्ट हैं एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं. वो टाइटली स्किन टू मसल्स को कनेक्ट नहीं कर पाते. तो एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्किन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है. और ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस टिश्यू फिल्स द स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स. ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस है वो एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू से फिल होते हैं. इनसाइड ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम ये करते हैं. नर्व्स एंड बोन मैरो. बोन मैरो, बोन के बीच में जो स्पेस होता है, बोन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोन मैरो कहते हैं.
बोन मैरो आरबीसी के फॉर्मेशन का काम करता है. ओके तो ये हमने एल्वोलर कनेक्टिव टिश्यू देखा. अब सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड टाइप है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? दिस टिश्यू इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्किन. ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारे स्किन के जस्ट बिलो होता है, जस्ट बिनीथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे ये होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. और ये कहां प्रेजेंट होता है? किडनी पैड. किडनी पैड जस्ट अबव द किडनी. ये जो हमारे दोनों किडनियां है उसके ऊपर ये पैड बनाने का काम करता है. अराउंड आई वॉल के चारों तरफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की पैड होती है. हार्ट, हार्ट की चारों तरफ भी इसकी पैडिंग होती है, इसके एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की पैडिंग होती है. हार्ट की भी चारों तरफ तो किडनी पैड, किडनी के जस्ट ऊपर जो है एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है. आई वॉल, हार्ट, यहाँ पे हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. इसका क्या फंक्शन है? इट एक्ट्स एज थर्मोइंसुलेटर. थर्मोइंसुलेटर दैट मीन्स प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी. प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ये क्या काम करता है? बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देता, हमारी बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देता. थर्मोइंसुलेटर का काम करता है हीट लॉस नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठंड के दिनों में ये ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए. ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, हीट लॉस नहीं होने देता हमारी बॉडी से. एब्सेस थर्मोइंसुलेटर. आपने कैमल का जो हम्प देखा है ना, वो कैमल का हम्प यही एडिपोज टिश्यू का होता है. ओके अब हम लोग थर्ड कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे, स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटल टिश्यू. जो स्केलेटल टिश्यू है ये बने होते हैं कैसे? स्केलेटल टिश्यू हमारे बने होते हैं टेंडन, लिगामेंट, बोन एंड कार्टिलेज. ये फोर कंपोनेंट्स होते हैं स्केलेटल टिश्यू के, टेंडन, लिगामेंट, बोन एंड कार्टिलेज. ये फोर कंपोनेंट्स है स्केलेटल टिश्यू के. अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये फोर कंपोनेंट्स, टेंडन, लिगामेंट, बोन एंड कार्टिलेज, इनका क्या फंक्शन होता है. फर्स्ट टेंडन, टेंडन, लिगामेंट, बोन एंड कार्टिलेज. टेंडन क्या फंक्शन होता है इसका? इट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स. ये मसल्स टू बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है. आप अपने शोल्डर में, थाई में जो मसल्स देखते हो वो बोन्स से कनेक्टेड होते हैं
और मसल्स टू बोन्स को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? टेंडन, जो कि एक कंपोनेंट होता है स्केलेटल टिश्यू का, और स्केलेटल टिश्यू टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। फ्लेक्सिबल होता है, ये लेस फ्लेक्सिबल होता है। सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे लिगामेंट। लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है? इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम करता है, ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है। बोन टू बोन आप अपने नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट देख सकते हो, नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट होते हैं ना, ये यहाँ पे बोन टू बोन सोल्जर बोन और ये आपका रिस्ट बोन, दोनों आकर के कनेक्ट होते हैं जिस ज्वाइंट में, तो उन दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका होता है? लिगामेंट का। और ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्ड बोन ये लेस फ्लेक्सिबल होंगे, लेस फ्लेक्सिबल, लेस इलास्टिक। बोन, बोन ये भी कंपोनेंट है स्केलेटल टिश्यू का, बना होता है किस चीज का? ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है, मेड अप ऑफ सॉर्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के सॉर्ट्स के बने होते हैं बोन, हमारे नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं ये। फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू अवर बॉडी, हमारे शरीर का ढांचा तैयार करने में ये हेल्प करते हैं। लास्ट है कार्टिलेज, कार्टिलेज इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ईयर, नोज, लिप्स, ये बने होते हैं कार्टिलेज के, जो कि काफी इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये फोर कंपोनेंट्स थे स्केलेटल टिश्यू के, टेंडन, लिगामेंट, बोन एंड कार्टिलेज। टेंडन जो है वो मसल्स टू बोन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, फ्लेक्सिबल होता है लेकिन लेस फ्लेक्सिबल होते हैं। लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, ये भी लेस फ्लेक्सिबल होता है, लेस इलास्टिक होता है। बोन ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, बने होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉल्ट्स के, ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। कार्टिलेज इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, ईयर, नोज, लिप्स, ये बने होते हैं कार्टिलेज के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसके भी कंपोनेंट्स हैं। इसके कंपोनेंट्स हैं ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट मींस ब्लड को कहा जाता है। इसका एग्जांपल है ब्लड, ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा। तो ये हम लोग ब्लड प्लाज्मा डिस्कस करेंगे।
ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? Fragmenting it in which blood cells are suspended. Shunt जैसा होता है जिसमें blood cells जो है suspended रहते रहते हैं blood cells float करते रहते हैं इसकी surface पे. Blood plasma इसमें water का amount जो है वो 90 to 92% होता है. वाटर का अमाउंट ब्लड प्लाज्मा में. अब हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड. ब्लड क्या है? तो ब्लड के कंपोनेंट्स थे ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? आरबीसी जैसा कि नाम है, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट. ये रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन जो है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट कलेक्ट होता है जिसकी वजह से ये रेड होता है. ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. आरबीसी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी. इसको क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. इट प्रिपेयर्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजेंस. ये पैथोजन से एंटीजन से हमारी बॉडी की रक्षा करने का काम करता है. सोल्जर्स का काम करता है उसके अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रिपेयर करने का काम करते हैं. और हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट जो है काफी नीचे चला जाता है. ओके, तो ये हम लोगों ने देखा आज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स. एनिमल टिश्यू का सेकंड टाइप कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू के 4 टाइप्स थे. कौन कौन? एल्युलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फूड कनेक्टिव टिश्यू.